हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी विजनरी मूवी के बारे में जो रीसेंट टाइम्स में अभी यूएफओ और एलियन को लेकर बातें काफ़ी चर्चा में हैं। एक अमेरिकन विसल ब्लोअर ने काफ़ी कुछ बताया है उन सारी चीज़ों के बारे में, उन्हें और ज़्यादा रेलेवेंट और स्पाइसी बनाती है। एंड दैट मूवीज़ अराइवल। डेनिस विलेनोव ऑलरेडी अपनी माइंड बेंडिंग और साईफाई थ्रिलर्स के लिए काफ़ी फेमस है एंड दिस मूवी इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क ऑफ आर्ट। बिकॉज यूँ ही नहीं, इस मूवी को 8 अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशंस मिले हैं। इस 2 घंटे लंबी मूवी को आप अमेज़ॉन प्राइम पर आसानी से देख सकते हैं। देखिए, कभी ना कभी हम सबके साथ ये ज़रूर हुआ है कि हम सामने वाले से कहना कुछ चाहते हैं लेकिन उसे कुछ और ही समझ में आ रहा होता है। ये जो परसेप्शन का बैरियर है ये बहुत ट्रिकी होता है। यहाँ तक कि लिंग्विस्ट ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी इमोशन को, इवन कलर को, कोई नाम या वर्ड असाइन नहीं करते हैं तो बहुत से लोगों को उसे परसीव करने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसी को बेहतरीन तरीके से इस मूवी में एलियन के माध्यम से दिखाया गया है। बिकॉज वो जो आते हैं अचानक, जिनके साथ हमारा प्रॉपर लैंग्वेज बैरियर है, मतलब हम उनकी किस तरीके से वो अपने को एक्सप्रेस करते हैं वो तक नहीं समझ पाते हैं, और फिर कैसे डिकोडिंग होती है, कैसे हम अपने परसेप्शन को उतना बढ़ा पाते हैं कि हम समझ पाएँ कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर डिकोड करके दिखाया गया है। सो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस मूवी के साथ, मैं आपको बताऊंगी और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी अराइवल, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो 1998 में एक ब्रिलियंट साईफाई थ्रिलर पब्लिश होती है बाय द नेम ऑफ स्टोरी ऑफ योर लाइफ, जिसे लिखते हैं टेड चियांग। वही आप स्टोरी 2016 में अराइवल मूवी के फॉर्म में देखने वाले हैं। टेड चियांग की जब आप लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि उन्होंने किस माइंडसेट से ये कहानी लिखी होगी। अब अगर अराइवल की बात करते हैं तो यहाँ पर 12 एलियन पॉड्स 12 कंट्रीज़ में अचानक लैंड करते हैं। उसे निकलने वाले शिपालो पॉड्स, आप उन्हें हेप्टा पॉड्स भी कह सकते हैं, अपनी कुछ बातें ह्यूमन तक पहुँचाना चाहते हैं लेकिन लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से हम कुछ समझ नहीं पा रहे होते, जिसे डिकोड करने के लिए बुलाया जाता है लिंग्विस्ट लुईस बैंक को, साइंटिस्ट इयान डोनेली को, और मिलिट्री तो ऑब्वियसली बातें इन्वॉल्व होगी ही। अब लिंग्विस्ट डिकोड करना स्टार्ट करती हैं कॉज वो जो एलियन है हमारे व्यू पॉइंट से लिख रहे होते हैं पैलिंड्रोमिक फ्रेजेस में, सर्कुलर मोशन में। डिकोड करने से पता चलता है कुछ वेपन को लेकर वो बात कह रहे हैं। वेपन का नाम सुनते ही जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें अफरा तफरी मचने लगती है, सब अपने अपने डिसीजन लेने लगते हैं, लेकिन लिंग्विस्ट थोड़ा ओवर इन्वॉल्व होकर जब पता करती हैं तब ये बात सामने आती है कि बात ये वेपन को लेकर नहीं है, एलियन इन्वेजन वाली बात नहीं चल रही है, इससे आगे बढ़कर बहुत बढ़िया कहानी है। और जैसे जैसे मिस्ट्री अनरावल होने लगती है हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहुत ही ब्रिलियंटली मेड मूवी है जो मेरे दिल को छू गई है। सो मैं यहाँ पर कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव की बात करती हूँ इस मूवी को लेकर। सो द फर्स्ट पोस्टर ऑफ दिस मूवी विल बी इट्स स्टोरी, ब्यूटिफुली रिटन स्टोरी, एक पजल की तरह कहानी है, और जब सारे पीसेस मिल जाते हैं तब एक बिटर स्वीट पिक्चर हमारे सामने क्रिएट होती है जिसका मैसेज हमारे दिल को, दिमाग को छू लेता है। एंड सेकेंड पॉजिटिव विल बी एमी एडम्स की एक्टिंग। उनकी कैरेक्टर की डिमांड थी कि वो एक ऐसे बींग से बात कर रही हैं कि क्या वो हमें बताना चाहता है हमें नहीं पता, और उन्हें क्यूरियस दिखना है, उन्हें सामने वाले को एम्ब्रेस करना है, लविंग भी लगना है, और वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाई हैं कैरेक्टर में बेहतरीन एक्टिंग, और वो इसके लिए नॉमिनेट भी हुई थी एकेडमी अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस। अगर ड्रॉबैक की बात करते हैं तो किसी किसी को यहाँ पर जो पेस है मूवी का वो स्लो लग सकता है, बट आई वुड से कि ये डिमांड थी मूवी की, क्योंकि इमोशंस और जो चीज़ें यहाँ पर दिखाना चाहते हैं वो हम तक तभी पहुँच पाएंगी जब आराम आराम से उन्हें दिखाया जाएगा, ना कि फास्ट पेस में। स्टिल किसी को स्लो लग सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़, अगर आप यहाँ पर कुछ ड्रामेटिक चाहते हैं कि एलियन इन्वेजन दिखाया जाएगा और एलियन हम सबको मारने की कोशिश करेंगे और कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैसेज वर्ल्ड पीस का देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सो आई वुड से दैट यू शुड वॉच दिस मूवी। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मांगते हैं तो बाकी सब कुछ आप पर है कि आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। मूवी आप हर एज ग्रुप को दिखा सकते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं लेकिन एज सच कोई अडल्ट सीन आपको यहाँ नहीं देखने को मिलने वाले हैं। सो डू गो फॉर दिस, इट्स अ गुड वन। दैट्स इट, बाय।